आज के वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको अपने पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर चेंज करना बदलना नहीं आता है। अभी के टाइम में पैन कार्ड हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जैसे अगर आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, या कोई फॉर्म भरते हैं, या आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आप पैन कार्ड के लिए वहाँ मांगा जाता है, या आप पासपोर्ट बनाते हैं तो भी आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, या अभी के टाइम में अगर आप कोरोना वैक्सीन के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आप पैन कार्ड दे के वैक्सीन ले सकते हैं। और इस सिचुएशन में अगर आपका पैन कार्ड पे फ़ोटो और सिग्नेचर सही नहीं है तो वहाँ पे कुछ डॉट होता है तो वहाँ पे रिजेक्ट होने का चांसेस बन जाता है। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे आप चेंज करेंगे, बदलेंगे, वो भी खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से। अगर इस सिचुएशन में अगर आप दुकान वाले के पास जाते हैं या साइबर कैफे में जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि भैया मेरे पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर बदलना है, तो वो बोलता है भैया हम 100 रुपये लेंगे, या कोई बोलता है हम 150 रुपये लेंगे, तो इस सिचुएशन में आप जो है वहाँ आपको पैसा देना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि अभी के टाइम में जो है भैया पैन कार्ड के बिना आपको कोई काम नहीं होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप अपने पैन कार्ड में कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को भैया लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, बिना कहीं भागे, बिना किसी को पैसा दिए, आप किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर कराने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आके ओपन हो जाइएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है अप्लाई फॉर चेंज और करेक्शन इन पैन कार्ड डिटेल, सिंपली आपको इस पर ओके कर देना है। जैसे इस पर आप ओके कीजिएगा कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ फिजिकल मोड और डिजिटल मोड यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे अगर फिजिकल मोड आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट ले आके किसी भी यूटीआई के वेबसाइट एड्रेस पे आपको जमा करना पड़ेगा, या बाय पोस्ट आपको सेंड करना पड़ेगा। और दूसरा है डिजिटल मोड में ये पेपरलेस है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी ले आकर जमा नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ डिजिटल पेपरलेस सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें भी तीन ऑप्शन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि साइन यूजिंग आधार बेस्ड ई साइन, हमको सिंपली इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको जो है पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो हमको यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पर सिंपली बोथ फिजिकल पैन कार्ड इसको हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने से पहले हमको एक बार और यहाँ पे पिन नंबर डालना पड़ेगा। पिन नंबर डाल कर देने हम सिंपली ओके, इसको हमको यहाँ कर चूज कर लेना है बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पेन, तो सिंपली हमको ये वाला को चूज कर लेना है। तो इस तरीके से आपको ईमेल आईडी पे फिजिकल पैन कार्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ईमेल पे जो है डिजिटल पैन कार्ड आ जाएगा और आपके एड्रेस पे फिजिकल पैन कार्ड आ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ से कर देना है सबमिट। तो इस तरीके से आपका एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, इसको आपको सिंपली कॉपी करके यहाँ से इसको रख लेना है। तो इसके बाद सिंपली हमको कर देना है ओके। अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं पर्सनल डिटेल फिल करना है, आपको डिटेल वही फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में है। अगर आप जो आधार कार्ड से अलग कोई भी चीज़ फिल यहाँ फिलअप करेंगे तो वो आपको KYC फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पहले अपना टाइटल चूज कर लेंगे, श्री श्रीमती जो भी है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम जो भी है तो वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। यहाँ पे आपका जो पैन नंबर के आधार जो है यहाँ पे आप जो अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैन कार्ड बेस्ड होना चाहिए तो वहाँ पर आपको ये नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर आप जो पैन कार्ड जो नंबर है तो वो जो पैन कार्ड पर आपका नाम है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो वो नाम यहाँ पर आपको डाल देना जो अभी वही आपका पैन कार्ड पर है।
इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपने फादर नेम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो जो भी आपका फादर नेम होगा वहाँ पर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम डालना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर अपना मदर नेम भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेना है कि आपको पैन कार्ड का फादर नेम चाहिए या मदर नेम चाहिए, जो भी चाहिए तो ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको लिखा रहा है कि अदर डिटेल। इसको सिंपली आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी यहाँ कैलेंडर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका जेंडर जो ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जहाँ से भी वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, और यहाँ देख रहे हैं कि नेम आधार बेस जो भी है आपका आधार कार्ड पे, तो वो आपका नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर कर देना सिंपली नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आपको यहाँ पर देख रहा है कि एड्रेस डिटेल फिल करना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है कि एड्रेस कम्युनिकेशन आपका कौन सा रखना पड़ेगा, यहाँ रख रहे बोल रहा है कि ऑफिस वाला और रेजिडेंशियल, चलिए हम रेजिडेंशियल चूज कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि नेम ऑफिस वाला, तो आप जो भी नेम है आपको वहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि फ्लैट डूर और ब्लॉक नंबर, यहाँ पर देख रहे हैं कि नेम ऑफ बिल्डिंग, विलेज या पर्सनलिस्ट जो भी है यहाँ पर डाल देना, जहाँ से है रोड, स्ट्रेट, एरिया, लेन, पोस्ट नंबर, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ एरिया, लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीज़न आपको डालना है। यहाँ टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट है जो भी। इसके बाद यहाँ बिहार ऑटोमेटिक आ चुका है, इंडिया ऑटोमेटिक आ चुका है, अपने यहाँ पिन कोड डाल देना है। इसके बाद सिंपली आपको कर यहाँ देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर ISD कोड ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया आ चुका है। यहाँ एरिया का कोड डाल देना है, यहाँ मोबाइल नंबर एक डालना है, और यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है। तो इस तरीके से फिर आपको यहाँ कर देना है नेक्स्ट। इसके बाद हमको यहाँ बोल रहा है कि ऑप्शन बोल रहा है कि फोटो एंड सिग्नेचर, तो हमको पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर दोनों को रखना है, तो यहाँ पर सिंपली दोनों को टिक रखेंगे। अगर हमको कोई एक चाहिए तो सिंपली हमको एक पर टिक रखना है। तो चलिए हमको फोटो और सिग्नेचर दोनों चेंज चाहिए, तो हमको यहाँ पर दोनों पर टिक रखना पड़ेगा। सिंपली हमको यहाँ पर टिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर एक से अधिक पैन कार्ड नंबर है तो हमको सिंपली यहाँ पर हमको डाल देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हिमसेफ हरसेल्फ आ जाएगा। इस तरह पर आप यहाँ पर बोल रहा है कि आप कितने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसे चूज कर लीजिएगा। चलिए हम एक दे रहे हैं आधार कार्ड, तो आधार कार्ड ही यहाँ पे चूज करेंगे एक ही। यहाँ पर अपना प्लेस डाल देना, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि डेट ऑटोमेटिक आ ही गया है, तो अपन जो भी प्लेस यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसका नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देख रहा है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ID प्रूफ में जो भी है, तो यहाँ से आप जो भी प्रूफ देना चाहते हैं आप चूज कर लीजिए। चलिए हम आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। यहाँ देखिए एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, तो सिंपली जो भी देना चाहते हैं। यहाँ पर आप ढेर सारा ऑप्शन है, पासपोर्ट है और भी बहुत सारा, तो जो भी देना चाहते हैं। चलिए मैं आधार कार्ड ही चूज कर लेता हूँ। यहाँ देखें डेट ऑफ बर्थ में आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ आधार कार्ड ही चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर बोला पैन कार्ड में कौन सा प्रूफ दीजिएगा, तो सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपी, FIR, पैन कार्ड। चलिए हम यहाँ पे कॉपी पैन कार्ड ही चूज कर लेते हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि एप्लीकेशन फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये सब जो है आप देख रहे हैं कि इस सब का साइज आपको जो रहेगा 213x213, मतलब 213 लेंथ और 213 हाइट आपको रहेगा, जो भी 50 KB में से कम का होना चाहिए। तो उससे 50 KB से ज़्यादा में आपका नहीं होना चाहिए, और लेंथ विथ जो 213x213 का होना चाहिए। तो उस तरीके से आप बहुत आसान तरीका और सिंपल तरीका से आप इसको बना के इसमें अपलोड करेंगे। मैं इस पर एक वीडियो बना रखा हूँ, जो मेरा वीडियो किस तरीके से इसका साइज कम करेंगे और लेंथ विथ, तो वो मैं उस पर वीडियो बना रखा हूँ, आप मेरा वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे जो चूज फाइल पे ओके करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो PDF में होना चाहिए। तो जो भी आपका पैन कार्ड है उसका फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे आपका पैन कार्ड को अपलोड करेंगे। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो नो FIR की कॉपी है और ना ही पैन कार्ड है, तो सिंपली यहाँ नो डॉक्यूमेंट पे चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस ऑप्शन में। अब यहाँ पे आपको एक फ़ोटो और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करनी होगी, जो भी आपके पैन कार्ड पे लगवानी है। तो जो भी आप यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे वही आपके पैन कार्ड पे आएंगे। इसके बाद सिंपली हमको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद किसी भी टाइम अपना स्टेटस चेक करने के लिए आप इस पेज पे आएंगे। तो आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस बहुत ही आसानी से इस पेज से आप ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैक पैन कार्ड है, तो सिंपली आपको इस पे ओके कर देना है। तो आप अपने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, अगर आपका एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। इसके बाद ये कैप्चा आपको इसमें फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ सिंपली करना है सबमिट।
तो आपको जो भी डिटेल होगा वो इस तरीके इसमें आपका शो कर देगा, और आपका 3 से 4 दिन का इसमें आपका टाइम लगेगा। इसके बाद आपके पैन कार्ड का फोटो और सिग्नेचर अपडेट कर दिया जाएगा। डिजिटल पैन कार्ड की कॉपी आपके ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी और फिजिकल कॉपी आपके एड्रेस पे सेंड कर दी जाएगी। डिजिटल पैन कार्ड आपको बाय ईमेल मिल जाएगा, तो आपको एक ईमेल मिलेगा, उसी ईमेल में एक पीडीएफ होगी। तो ईमेल को जैसे ओपन कीजिएगा तो उसमें आपको ऑप्शन मांगेगा पासवर्ड डालने का, तो आप उसमें डालिएगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो वो ओपन होके आ जाएगी, तो आप बहुत ही आसानी से अपने जो पैन कार्ड है उसको आप देख सकते हैं, और जो भी आपका जो फोटो और सिग्नेचर है जो भी अपडेट किए हैं तो वो भी आपका उसमें ऐड रहेगा, और आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।